हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सीए करिश्मा बंसल फ्रॉम माय फ्यूचर एकेडमी। आज अपन लोग एग्जांपल नंबर 18 से चालू कर रहे हैं। यहाँ पे अपन लोगों को बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना है। अब ये बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है? जैसे अपन लोग टेलीमार्क्स लगाते थे ना, टेलीमार्क में क्या होता था भाई, 26 है तो ये इसके सामने, यहाँ पे 26 आ रहा था, 26 के सामने एक टेलीमार्क आ जाता था। बाई वेरिएट में अपन को क्या देखना है, अपन को दो लोगों को साथ में मिलकर एक टेलीमार्क लगाना है। नहीं समझ आया, समझते हैं। एग्जाम्पल 18 में तुम लोगों को 15 स्टूडेंट्स के अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स में मार्क्स दिए गए। ऐसा बोला ये इनके मार्क्स है। अब इससे तुमको बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी बनाना है। देखो अकाउंट्स में बच्चों के क्या मार्क्स है, अपन कैसे करते थे टेलीमार्क में, जो जो नंबर है वो उनको अपन एक बार लिखते थे, उसके बाद जितनी बार वो रिपीट हो रहे होते टेलीमार्क लगाते थे। तो कौन से नंबर है, 25, 26, 27, 28, तो अपन लोग कैसे करेंगे, देखो बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे बनता है। तुम लोगों के दो वेरिएबल है, तो यहाँ पे तुमने इसको अकाउंट्स मान लिया, इसको तुमने क्या मान लिया, इकोनॉमिक्स। अकाउंट्स में तुम्हारे क्या बच्चों के मार्क्स आ रहे, 25, 26, 27, 28, एक ऊपर लिखेंगे, एक ऐसे लिखेंगे और एक तुम लोगों को ऐसे लिखना है, एक हॉरिजॉन्टली एक वर्टिकली, ठीक है। अब क्या करेंगे, तुम लोगों ने मार्क्स लिख दिए अकाउंट्स के, इकोनॉमिक्स में बच्चों को क्या मार्क्स आ रहे हैं, 19, 20, 21, 22, तो इकोनॉमिक्स में यहाँ पे लिख दो 19, 20, 21, 22। अब टैली मार्क कैसे लगाते हैं, इसके अंदर 28 से लेके 22, मतलब 28 फर्स्ट स्टूडेंट है उसका जो अकाउंट्स में मार्क्स है वो है 28 और उसके जो इकोनॉमिक्स में मार्क्स है वो 22। इसमें 28 और इसमें 22, मतलब कहाँ पे टैली मार्क आएगा, यहाँ पे एक टैली मार्क आ जाएगा, वन नहीं, यहाँ पे एक टैली मार्क आ जाएगा। फिर सेकेंड 26 मार्क्स एंड 21 मार्क्स, 26 इन अकाउंट्स एंड 21 इन इकोनॉमिक्स, 26 इन अकाउंट्स एंड 21 इन इकोनॉमिक्स, तो यहाँ पे एक टैली मार्क आ जाएगा। फिर अकाउंट्स में 27, इकोनॉमिक्स में 21, अकाउंट्स में 27, इकोनॉमिक्स में 21 यहाँ पे आएगा। उसके बाद 25 और 20, 25 इसके अंदर 20, तो यहाँ पे आएगा। फिर 28 और 22, 28 और 22 यहाँ पे आएगा। फिर 28 और 21 यहाँ पे एक टैली मार्क आएगा, यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। फिर 27 21 यहाँ पे एक टैली मार्क आएगा। फिर 27 और 20 यहाँ पे एक टैली मार्क आएगा। फिर 26 और 20 यहाँ पे एक टैली मार्क आएगा। फिर 27 और 19 यहाँ पे एक टैली मार्क आएगा। फिर 27 21 यहाँ पे एक टैली मार्क आएगा। फिर 26 और 19 यहाँ पे एक टैली मार्क आएगा। फिर 25 और 19 यहाँ पे एक टैली मार्क आएगा। फिर 26 20 यहाँ पे एक टैली मार्क आएगा। फिर 27 21 यहाँ पे एक टैली मार्क आएगा। तुम लोगों का सारा टेलीमार्क होने के बाद तुम लोगों को कुछ इस तरह से पूरा टेबल मिलेगा। अब तुमको काउंट करना है, 1, 2, 3 ऐसे नीचे, ये जो है इसका मतलब क्या है, यहाँ पे एक टेलीमार्क आया, यहाँ पे 4, मतलब यहाँ पे 4 टेलीमार्क आया। अब इसको प्लस करो, 1, 2, 3 टोटल 19 के अंदर कितने, 3 टेलीमार्क। फिर ऐसे सारे टोटल करो, यहाँ के भी टोटल करो। फिर इसका टोटल और इसका टोटल, दोनों का टोटल मिला के कितना आना चाहिए, 15 स्टूडेंट्स आना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। ये तो बहुत ज़्यादा ईजी था, इसके अंदर अपन लोगों को कुछ भी डाउट जैसा नहीं था, ठीक है। अब तुम लोगों को इसी के अंदर, जैसे यहाँ पे इंडिविजुअल सीरीज थी ना, अब तुम लोगों को क्लास वाली फ्रीक्वेंसी में करना है। बोला है वापस फ्रीक्वेंसी बाई वे रेट, टू वे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाओ। तुम लोगों की क्लासेस होनी चाहिए 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45। कहाँ तक लेनी है, कैसे पता चलेगा, सबसे बड़ा नंबर इंग्लिश में क्या है, देखो इंग्लिश में सबसे बड़ा नंबर 70 है। और कोई दिख रहा है, ठीक है। मैथ्स में देखो, मैथ्स में मेरे को सबसे बड़ा 88 दिखा, तो भाई इसको इंक्लूड करने के लिए मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75 तक मुझे जाना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर। और मैथमेटिक्स में मुझे कहाँ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर 88 है, तो लास्ट क्लास उसकी क्या होगी, 85 से 95। अब क्या करोगे, टेलीमार्क लगाना चालू करो। इंग्लिश में 35, मैथ्स में 56, इंग्लिश में 35 मार्क्स, मतलब इसके अंदर आएगा। अब इसमें आएगा या इसमें आएगा, याद रखना ये एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव मतलब इसके अंदर नहीं आता, इसके अंदर आता है। तो 35 तो इसमें आएगा इंग्लिश का, और मैथ्स में कितना बोला है, 56, मैथ्स का 56 कहाँ आएगा, यहाँ पे। तो तुम्हारा टेलीमार्क कहाँ लग जाएगा, यहाँ पे तुम्हारा टेलीमार्क लग जाएगा। आया समझ, बहुत ज़्यादा ईजी है। अब इस तरह से तुम लोगों को सारे टेलीमार्क्स लगाने हैं और तुम लोगों को तुम्हारी टेबल टैली करनी है। अब कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो मुझे पूछ लेना और मेरे को फोन कर देना। तुम लोगों का ये होमवर्क है, एक तो ये क्वेश्चन, एक ये क्वेश्चन, और अब अपन लोगों को
जो पीछे की एक्सरसाइज है वो भी सॉल्व करना चालू करना है। मैं हमेशा ये सारी एक्सरसाइज ना होमवर्क में ही देती हूँ, तुम लोगों को सारे सब होमवर्क में करके मुझे डाउट्स पूछने हैं तो ही होगा, वरना तुम लोग अगर डाउट्स नहीं पूछोगे तो तुम लोगों को कुछ समझ ही नहीं आएगा। एक और बाई वेरिएट का ये वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं भाई, तुम लोगों को यहाँ पे बोला है क्लास 200 से 300 वाली बनानी है, वाई की 10 से 15 वाली बनानी है। तो वाई की मैंने बना दी 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, और एक्स की बना दी 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700। अब मैं क्या करूँगी, वही फर्स्ट है 550 और 12, 550 किस में आएगा इसके अंदर, और 12 किस में आएगा इसमें, मतलब फर्स्ट एलिमा का लगेगा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। सेकंड क्या है 623 और 14, 623 किस में आएगा इसके अंदर आएगा, 14 किस में आएगा इसमें, तो टेलीमार्क का आएगा यहाँ पे आएगा। इस तरह से तुम लोगों को तुम्हारे सारे टेलीमार्क लगा के टोटलिंग करके ये पूरा बनाना है। बहुत ज़्यादा ईजी है, इसमें आई गेस कुछ भी डाउट नहीं होगा, राइट स्टूडेंट। इसको बोलते हैं बाई वेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अपन लोगों का ये पार्ट पूरा खत्म हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल 17 तुम लोगों को होमवर्क में करना है, और सारे एग्जाम्पल्स मैंने करवा दिए तुम लोगों को, ठीक है स्टूडेंट्स। ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है। अब अपन लोग नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 चालू करेंगे।